इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से पाकिस्तान की 14 अगस्त की खुशी में वफाई रैली निकाली गई। रैली चेयरमैन सैयद एजाज अली शाह बुखारी, नूर हसन कासमी, अब्दुल गफ्फार कादरी जूनियर, अवैस रजा कादरी और दीगर की क्यादत में निकाली गई। रैली इत्तेहाद अहले सुन्नत उल जमात कारकुनान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका के हाथ में बैनर थे जिन पर नारे दर्ज थे। रैली सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी से निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए DCO चौक पहुंची, जहां पर मुजाहिरीन ने खिताब किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। बाद में ग्रेट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, देखते हैं मीर हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। रैली DC चौक पे इख्तिताम पज़ीर हुई है। हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक भी है। हम वफाए पाकिस्तान इत्तेहाद अहले सुन्नत की और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सलाम पेश करते हैं और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल तन मन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। आज के इस रैली में ये पैगाम है कि हम तमाम पाकिस्तानियों से ये पैगाम देते हैं कि आप अपने घरों पे पाकिस्तान का झंडा ला रहे हैं और भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएं। और मोदी के लिए ये पैगाम है कि इंशाल्लाह वो दिन करीब है, दिल्ली में आकर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। हम आलम इस्लाम को ये पैगाम देते हैं कि जश्न आज़ादी तमाम मुसलमानों को मुबारक हो, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है, ता क़यामत इंशाल्लाह पाकिस्तान का किला रहेगा।